नमस्ते दोस्तों, मैं हर्षराज, मैं आप लोग के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत देखा है ऐसे लड़के को जो SC ST से बिलोंग करते हैं। SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करें, आप पढ़ाई करें। देखिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखा है जो SC ST में होते हैं, नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि मैं रिजर्वेशन के थ्रू पास हो जाऊँगा, बट ये रॉन्ग है। देखिए, मैं और आप लोग पढ़ाई के लिए थोड़ा सा भी सिंसियर होना चाहते हैं, आप ये मत सोचिए कि आप SC ST में, आप ये सोचिए कि आप जनरल से बिलोंग करते हैं। और आप एकदम जनरल की तरह एकदम दिन रात एक कर दीजिए, पूरा धोती बता दीजिए, बट तैयारी कीजिए जनरल के हिसाब से। जैसे जनरल का कट ऑफ होता है, जितना कट ऑफ होता है उतना आप उससे पार कीजिए। तो आप जनरल कट ऑफ पार कर रहे हैं, मतलब आप SC ST में एकदम टॉप कर गए। आप शुरू से ही सोचिए कि SC ST में है, हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन के ही थ्रू पास कर देंगे, जाएंगे 1 2 3 है, सुजय वाला भी लगाएंगे, टिक लगाएंगे, कोई ऑप्शन सही हो गया, इससे आप पास हो गए आप अपने लक के थ्रू। बट आपको उतना नॉलेज तो नहीं रहा ना, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अपने को जनरल कैटेगरी में मान के आप उस एग्जाम IIT JEE और एडवांस की तैयारी कीजिए। IIT JEE इतना मेन्स इतना ईजी नहीं होता है, मेन्स तो सब बच्चे निकाल लेते हैं, एडवांस में सब लटक जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन SC ST स्टूडेंट के छात्रों से, मैंने SC ST के छात्रों में उतना देखा नहीं है मैंने मेहनत करते हुए, वो मेहनत सोचते हैं कि मैं रिजर्वेशन में, मुझे रिजर्वेशन मिल जाएगा, बट ये रॉन्ग नहीं है। आप ये सोचिए कि मेरे पास नॉलेज नहीं है इतना, आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा बट आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, समझिए, जिससे आप बाई चांस इंजीनियर बन भी गए। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको गवर्नमेंट पास करता है कि आपको एक पुल बनाना है, कुछ बनाना, आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप पुल कैसे बनाइएगा। इसलिए आप उस नॉलेज को भरपूर यूज कीजिए। आपको इतने गार्जियन इतना पैसा लगा के बाहर भेजते हैं, कलकत्ता भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, पटना भेजते हैं, बहुत जगह भेजते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, बट बच्चा पढ़ता तो तब ना, बच्चा पढ़ता ही नहीं, सोचता है SC ST में निकल जाएंगे किसी तरह रिजर्वेशन में, बट ये रॉन्ग है ना। आप देखिए, मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी सिंसियर होना है पढ़ाई के प्रति, चाहना है कि चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाइए मेंस और एडवांस में, तो आप एक ही काम कर सकते हैं, आप अपने आप को जनरल कैटेगरी में समझ लीजिए कि हम जनरल में हैं और उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। थैंक यू, आप मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद। मैं हर्षराज, फिर आपको दोबारा किसी टॉपिक पर मिलूंगा।